हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई? मस्त रहो, चिल रहो। तो अभी आपको दिखाते हैं, आज मैं दिखाता हूँ अपने चार्ली की, मैंने जो फर्स्ट बात करी है डिलीवरी के बाद। और टोटली मैन तो ये है कि टोटली चार डॉग्स को बात कराए, और लेटेस्ट ये है कि फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने डॉग को बात कराया, वो भी किसको, मोली को, फर्स्ट टाइम। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा ज्ञान भी लेते रहिएगा डॉग से रिगार्डिंग, और वीडियो को इन्जॉय भी करते रहिए लास्ट तक। काफ़ी चीज़ें बताऊंगा भी, बात आपको किस तरीके से करानी चाहिए। काफ़ी तरीके के बात्स होते हैं कि डॉग्स को किस किस टाइम पे कराना चाहिए, किस टाइम पे नहीं कराना चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी टिप्स भी आपको दे दूंगा वीडियो में। और देखिए, डॉग रखना, डॉग हर कोई रख लेता है, रखने में कोई इशूज नहीं है। बट हरदम ध्यान रखिए, अगर आपका डॉग ट्रेंड नहीं है, अच्छा ट्रेंड नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है उसको रखे यार। मतलब वो एक आवारा कैटेगरी में ही आता है अगर आपका डॉग आपकी बात नहीं मानता। हरदम ध्यान रखिए, एक आवारा कुत्ते से ज़्यादा वो कुछ नहीं है अगर वो आपकी बातों को फॉलो नहीं करता है। और ख़ासकर देखिए, नॉर्मल अगर एनिमल्स पे बार कर रहा है या बाइट कर रहा है, वो भी थोड़ा बहुत, यानी हर किसी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका डॉग किसी इंसान को काट रहा है, हुमन को काटने लग रहा है, बाइट कर रहा है, तो आप सोचिए, आपका डॉग किसी एक आवारा कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गार्डिंग पर्पज़ को लेके कहते हैं कि हमारा डॉग गार्ड है, गार्डिंग कर रहा है। भैया, गार्डिंग का मतलब ये नहीं है कि वो किसी अदर पर्सन को बाइट कर ले। हरदम ध्यान रखिए, मेरे डॉग्स भी होते हैं, मेरे डॉग्स आसपास आते हैं तो दूर से अलर्ट हो जाते हैं। जब तक मेरे आसपास कोई नहीं है दायरे में, तो कुछ नहीं है, वो मेरी बात फुल इंस्ट्रक्शंस लेंगे। बट अगर कोई अननोन पर्सन मेरे पास आता है तो वो अलर्ट हो जाते हैं। बट किसी का हिम्मत नहीं है कि वो किसी को, जब तक उनको पूरा खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है कि हाँ भाई, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, जब तक वो कुछ नहीं कहते। चलो, इसके बारे में कभी आपको आगे बात करूँगा। फिलहाल आप मेरी बात का वीडियो देखिए, चार्ली का। चार्ली टोटली समथिंग 3 महीने बाद नहाई है, 2.5-3 महीने बाद, तो कितने आराम से नहा रही है। सबसे बात तो है कि कितने आराम से नहा रही है, मस्त होके, बिना हिले डुले। चलो, आप वीडियो को इंजॉय कीजिए, ठीक है। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे लोग ही सब्सक्राइब किया कीजिए, मतलब जिनमें दम हो यार। फालतू के लोग रहने दिया करो सब्सक्राइब में, ठीक है। एक आदमी चाहिए, पर मस्त चाहिए, ठीक है। चलो, एंजॉय कीजिए वीडियो को यार। और ये है भाई अपनी चार्ली, अभी समथिंग टोटली 2.5 महीने के अराउंड ही बात नारी है, 2.5-3 महीने में नारी बात कर रही है अभी। तो देख रहे हैं कितने आराम से, एकदम चिल बैठी हुई है। मतलब इसको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है, आराम से लेट के नहाइए एकदम। कुछ भी 0.1% चांस भी इसको कुछ नहीं लेना देना है, बस इसको क्या बात कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, आराम से फुल वीडियो एंजॉय कीजिएगा अभी। और हरदम ध्यान रखिए, बहुत से, अभी देता हूँ थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, तो हरदम ध्यान रखिए, बहुत से लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया, आप कंसीव कराने के बाद कि हम अपने फीमेल को बात करा सकते हैं? तो पहली बात तो यह कि भैया, नहीं करा सकते आप। आपने अगर अपने फीमेल को बात कंसीव करा लिया है, तो उसके बाद आपको बात नहीं कराना है डिलीवरी के 15 डेज के बाद भी, 15-20 डेज के बाद आपको बात कराना है। डिलीवरी के बाद समथिंग आप लगा सकते हो 80 डेज के बाद ही आपको बात कराना है। उससे पहले आप सिर्फ स्प्रे करके अपने फीमेल को क्लीन कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात कराओगे तो फीमेल में क्या होता है, मूवमेंट्स होती है, एक्टिव हो जाती है फीमेल बात कराने के बाद, और हिलती बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे शरीर को झटक लेती है, जिसकी वजह से आपके पपीज़ या आपकी फीमेल जो कंसीव है वो मिस कैरेज हो सकती है, ठीक है। हरदम ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और बहुत से ये भी हैं कि भैया, आप डिलीवरी हमने कर दी है फीमेल की ने, तो अब क्या इसकी हम कटिंग कर सकते हैं या इसको हम बात करा सकते हैं? हरदम ध्यान रखिए, जब तक आपके पपी मदर फीडिंग कर रहे हैं दिन में, मतलब पूरे रेगुलर ही कर रहे हैं 3-4-5 बार, तो आपको जब तक बात नहीं कराना है, हरदम ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आपके फीमेल को सर्द गर्म लग गई, तो आपके पपीज़ को सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, और इसके आगे चल के आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपके पपी एक्सपायर कर सकते हैं। हरदम ध्यान रखिए ये भी कि आपको कभी भी बात नहीं कराना है जब तक वो मदर फीडिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि 20 डेज के बाद, 20-25 डेज के बाद आपकी पपीज़ बाहर का ही फीड ले रहे हैं, अलग से फीड ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी फीमेल को बात करा सकते हो। बट मॉर्निंग में जैसे आप फीडिंग करा दीजिए एक बार मदर का, फिर उसके बाद क्या है, बात करा सकते हो आप। और सेकंड टाइम में आप अपने डॉग या पपी को सेरेलेक्स वगैरह खिला सकते हो,
2 टाइम्स, जिससे क्या है आपकी फीमेल का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी देखिए फीमेल अपना चार्ली को मैं वापस से पलट रहा हूँ, कितने आराम से नहा रहे हैं भाई, जैसे बस ये निकल गई है पतली गली पकड़ के, इस तरीके से इसकी हालत हो रखी है, तो आराम से मस्त होकर नहा रही है बिल्कुल। और कम से कम भी आज हमने 4 डॉग्स को बात कराया है, मेरी वाइफ ने सबको रगड़ दिया आज, दबा दबा के अच्छे से रगड़ा है सबको, देखिएगा कैसे काफ़ी शानदार जर्मन शेफर्ड की पपी है। सबसे कम इनकी डेज 15 डेज का, अगर आपको अपने डॉग या पपीज के अराउंड कुछ भी पूछना तो आप अपने भाई देख रहे हैं, सो रहे हैं सभी पपीज अभी आराम से फीडिंग करने के बाद, और ऐसे ही होल कर रहे हो तो आप मुझे रात के 8 बजे के बाद फीडिंग करते हैं। चार्ली देख रहे हैं कैसे बैठी है, मैं फ्री होऊंगा तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा अर्जेंट है तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, अगर बेसिकली मैं फ्री हूँ तो मैं आपका कॉल जब भी पिक कर लूँगा, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको खुद कॉल के लिए मैसेज अब या व्हाट्सअप में आपको कर दूँगा। ये देख रहे हैं अभी चार्ली बात कर लिया, अभी चार्ली को अच्छे से शैम्पू वगैरह लगा दिया, तो अभी भाग गई है मेरी चार्ली दूसरी अपोजिट वाली छत पे, दूसरी छत पे, तो अभी बात उसको वहीं पर कराएंगे। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर चिल लोग ही करे क्या करे यार सब्सक्राइब, क्योंकि भाई मैं अच्छे लोग चाहिए चैनल के ऊपर जिसको वास्तव में इंटरेस्ट रहता है डॉग्स में। ये देख रहे अभी चार्ली को बात करा दो, कितने आराम से नहा रही है विदाउट लीज, नहा रही है कोई लीज वगैरह कुछ नहीं यार, अपने डॉग्स को मैंने इतना अच्छे से ट्रेन कर रखा है ना कि मतलब कोई इश्यूज नहीं आते हैं, विदाउट लीज ओपन लीज घुमाता हूँ कुछ भी नहीं होता है, फुल ट्रेन है, अच्छे से बात मानते हैं। ये कैसे मानते हैं आपको हरदम बता दूँ, देखिए आपका डॉग में आपका डर और प्यार दोनों होना चाहिए, तो जब भी आपका डॉग हरदम ध्यान रखिए ट्रेन कर सकते हो, अदरवाइज आप लल्ला पुचकारी करोगे तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी ट्रेन नहीं कर सकते हो, जिससे कि आपका डॉग भी सर्वाइव करेगा और आप भी सिर्फ अपने डॉग के साथ सर्वाइव करोगे, बट ट्रेन डॉग होने के बाद आप भी हैप्पी रहते हो और आपका डॉग भी आपसे ज़्यादा हैप्पी रहता है। तो देख रहे हैं अभी चार्ली का फाइनली बात होने वाला है, बात होने के बाद लास्ट में मैंने एक्चुअली नीम का पानी बनाया हुआ है जो लास्ट में इसके ऊपर रब करूँगा, जिससे क्या इसके स्किन इन्फेक्शन वगैरह या कुछ भी इन्फेक्शन हो शरीर के ऊपर वो चल रही है भाई, हो जाइए देख रहे हैं अभी फर्स्ट बात। अब आप ओरिजिनल वॉइस में लास्ट तक वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए, वो भी सिर्फ मोली को, चार्ली के हमने ऑलरेडी कर दिया, बस चार्ली को अभी थोड़ा पानी और लगाना है नीम का, तो ये अपनी मोली शैम्पू लगा इसको अच्छे से, फिर मैं लगाता हूँ इसको थोड़ा झाग झाग सा रहे, गीला कर इसको, ये पलट क्यों दिया पानी, गंदा कहाँ है यार शैम्पू का पानी है बाबा, ऐसे थोड़ी ना निकलेगा, करो पैरों पे भी लगा, मैं लगाता हूँ नहीं थोड़ा सा ये तो पैर पे ना छाती पे झाग लगा ले, यहाँ पे ना लगाएंगे झाग लगा, हो रहे हैं इधर नीलांगों से लगा दूँ उससे क्या ना कुछ वो दिखाइए वो भगोना लीजिए सामने से नहीं पता नहीं पापा मांग रहे थे रंग बनाने हाँ तो उसमें रखा ना पतीले में रखे नहीं पानी भगोना लिया स्टील वाला लिया स्टील का सामने बन लो पीले हो जाएंगे तो क्या हो गया इन्हें कौन सा जहाँ जहाँ बैठेंगे ना इस वाले रोज रोज खेल करो एक दिन का काम है छोड़ दे ना बड़ा डूबने का शौक है ना डूबो बहुत शौक है ना डूबने पापा जी ओवर हीटिंग हो रहा है
बस बंद कर, बंद करके छाया में रख।